पत्तों की हेल्दी और न्यूट्रिशियस सब्जी बनकर के तैयार है। इसे चपाती, पराठा किसी के साथ भी सर्व किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ रीटा साहनी और मेरी किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ मूली के पत्तों की सब्जी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करें। मूली के पत्तों की सब्जी बनाने के लिए ऑफकोर्स हमें मूली के पत्ते चाहिए, तो मैंने दो मूली के पत्ते बहुत बारीक काट करके लिए हैं। मूली के पत्तों के साथ ये डंठल का भी इस्तेमाल करें, इन्हें भी बहुत बारीक काट करके लें। दो मूली के पत्ते और एक मूली धो करके, पील करके चौकोर बारीक टुकड़ों में काट लिया है। मूली के पत्तों की सब्जी बनाने के लिए गैस ऑन करके मैंने एक कढ़ाई रखी है, इसमें दो चम्मच ऑयल डालेंगे। आप घी चाहें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, एक चम्मच अजवाइन, ये एक अकेला मसाला है जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं इस सब्जी में, सिर्फ अजवाइन। एक बड़ा चम्मच गार्लिक पेस्ट, हल्का सा भूनेंगे। अजवाइन और लहसुन अच्छे से भून चुके हैं। एक बड़ा चम्मच हरी मिर्ची का दरदरा पेस्ट, इस सब्जी में हम लाल मिर्ची का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, इसलिए हरी मिर्च मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है। आप कम खाते हों तो थोड़ी कम डाल सकते हैं। हरी मिर्च भी भुन चुकी है। सब्जी को थोड़ी बॉडी देने के लिए 1/3 कप मूंग दाल को धो करके भिगो करके लिया गया है। एक घंटा भिगो करके मूंग दाल को मैंने लिया है। एक मिनट के लिए हल्का सा भूनेंगे। मूंग दाल भी हल्का सा भून चुकी है। मूली फाइनली चॉप्ड, इसे भी एक मिनट के लिए भूनेंगे। मूंग दाल और मूली अच्छे से भून चुकी है। हम इस सब्जी में सॉल्ट दो स्टेजेस में डालेंगे, एक बार इसी स्टेज पर और एक बार जब हम मूली के पत्ते डालेंगे। सॉल्ट एज पर टेस्ट, सॉल्ट डालने से मूली के पत्ते अपना पानी रिलीज कर देंगे और अपने ही पानी में पक भी जाएंगे। गैस ऑन लो मोड ढक करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ढक्कन लगा करके सब्जी 2 मिनट से पक रही है। मूंग दाल और मूली गल चुकी है, मूली के पत्ते डालेंगे। मूंग दाल डालने से सब्जी की फूड वैल्यू भी बढ़ चुकी है। सॉल्ट एज पर टेस्ट मिलाएंगे।
सब्जी क्योंकि गैस के लो मोड पर पक रही है, सब्जी में क्योंकि हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे इसलिए मूली के पत्ते डालने के बाद भी गैस को लो मोड पर ही रखें। मूली के पत्ते जैसे जैसे रिड्यूस होंगे वैसे ही अपना पानी भी रिलीज़ कर देंगे और अपने ही पानी में, मूली के पत्तों के पानी में ही हम इन्हें पकाएंगे। सब्जी अच्छी तरह से मिलाई जा चुकी है, 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। ढक्कन लगा देते हैं। गैस के लो मोड पर सब्जी 2 मिनट से पक रही है, मूली के पत्ते भी रिड्यूस हो चुके हैं और पक चुके हैं। या तो सब्जी को रिक्वायर्ड खटास देने के लिए आप अमचूर डालें, लेकिन मुझे नींबू का रस एक हेल्दी ऑप्शन लगता है तो ये एक नींबू का रस डालेंगे, मिलाएंगे। मूली के पत्तों की हेल्दी और न्यूट्रिशियस सब्जी बनकर के तैयार है, सर्व करेंगे। मूली के पत्तों की हेल्दी और न्यूट्रिशियस सब्जी बनकर के तैयार है, इसे चपाती, परांठा किसी के साथ भी सर्व किया जा सकता है।